जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, लेकिन डिफरेंस दोनों में वही है जो घर के बड़े और घर के छोटे में होता है। जैसे कि जितना छोटा उतना ही ठंडा और घर का जितना बड़ा होता है थोड़ा सा उतना ही ज्यादा गुस्से वाला होता है, वैसे ही केस इन इलायचियों में भी है। जो छोटी इलायची है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो शीत वीर्य है क्योंकि ये वेट सॉयल में उगती है, जो बड़ी इलायची है वो उतनी ही उष्ण वीर्य है। उष्ण वीर्य होने के कारण जो है ये कफ जो है जितने भी दोष कफ और जो भी वात वर्धक व्याधियां हैं उनमें उनको पैसिफाई करती है, उन दोषों को पैसिफाई करती है, और पित्त जो है रोगों में भी कहीं कहीं ये यूज होती है। यूजेज दोनों के सेम है, लेकिन उष्ण वीर्य होने के कारण जो है इसको सर्दी में देने का प्रावधान है, जहां हम जिस जिस प्रॉब्लम में जिस जिस इश्यू में छोटी इलायची को हम गर्मियों में देते हैं क्योंकि वो शीत वीर्य है, जो बड़ी इलायची है इसको हम सर्दियों में देने का प्रावधान है। और गुणों की मैं बात करूंगी, अगर उष्ण वीर्य होने के साथ साथ ये कटु है, लघु है और मधुर है और तिक्त है, ये इसके कुछ एक प्रॉपर्टीज है। साथ ही साथ अगर मैं इसके एक्टिव कंपाउंड की बात करती हूँ तो वो अगेन जो है वॉलेटाइल ही है, जैसे कि छोटी इलायची में भी होता है। सीनियोल और ट्रपिनियोल करके इसके जो एक्टिव कंपाउंड है जो जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज है वो दोनों ही वॉलेटाइल जो है वो कंपाउंड हैं। और सिमिलरली इसको हम छोटी इलायची की तरह ही जितने भी हर्ब्स के जो एक्टिव कंपाउंड वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं उनको टाइट जार में सेव करके हमें रखना चाहिए, ताकि जितना ही उनको अगर हम लूज जार में या किसी और के साथ रखते हैं, किसी भी और हर्ब के साथ रखते हैं, तो वो अपने गुण दूसरे जो है दूसरे मसालों को दे देता है और उनके गुणों को खत्म कर देता है। इसलिए इसको सेपरेट एक टाइट जार में रखने का प्रावधान है ताकि इसको हम लंबे समय तक यूज कर सके। इसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी, ये जहां जहां भी छोटी इलायची का यूज था वहीं वहीं जो है इसको बड़ी इलायची को हम यूज करते हैं। छोटी इलायची को हम नमकीन जो है डिशेस में यूज नहीं करते ज्यादा, वहां बड़ी इलायची को यूज करते हैं नमकीन जितनी भी डिशेस हैं उनको टेस्टी करने के लिए, क्योंकि इसका एरोमा जो है वो फ्रेगनेंस बहुत अच्छी रहती है इसकी, इसीलिए इसको जो है नमकीन डिशेस को टेस्टी करने में इसको जो है यूज किया जाता है। अगर मैं एग्जैक्ट डोजेज की बात करती हूँ तो 500 mg मॉर्निंग एंड इवनिंग, और टोटल जो पूरे दिन की बात करूं तो 1 ग्राम हम जो है इसको डिवाइडेड डोज में एज पर दी प्रॉब्लम जो है वो जो है आहार में रेकमेंड किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसके लिए कैंसर में भी यूज होता है। स्किन में कहते हैं अगर 21 डेज जो है दो बड़ी इलायची के दाने किसी भी फॉर्म में अगर कोई पर्सन लेता है तो उसकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, और अगर स्किन पे एक्नेस भी हैं तो उनको भी वैनिश कर देती है, उनको बिठा देती है अगर हम इसको कंटिन्यूसली यूज करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज के जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उनको कम से कम 15 या 16 या 20 डेज हम यूज करते हैं, इतनी माइन्यूट फॉर्म में अगर हमने किसी हर्ब को यूज करना है तभी हमें उसके जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जितनी भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं, दमा अस्थमा खांसी या नजला या जुकाम कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है तो सर्दी खांसी तो उसमें इसको देने का प्रावधान है क्योंकि विंटर में यूज होती है, उष्ण वीर्य है, तो इन सब प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा यूज करती है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो आजकल जो है मैं रेकमेंड करती हूँ, जैसा एपिसोड चल रहा है इस पेंडेमिक के कारण, तो आपको अपनी जो है टी में जो है मोटी बड़ी इलायची जो है ये जरूर यूज करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है ये मूत्र भी है, तो जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं उनको भी रेकमेंड किया जाता है कि जहां हम गर्मियों में उनको कहते हैं कि वो छोटी इलायची यूज करें, सर्दियों में अगर उनको यूज करनी है लेकिन वो अपने लेवल्स प्लीज देख के फिर ही, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स को हम कोई भी चीज ऐसे ही नहीं कह सकते, ये इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये मूत्रल है, डायूरेटिक है, यूरिन को निकालती है। जैसा कि अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसको भी सौंफ के पानी के साथ इसको दिया जाता है तो भी इसको लेने का प्रावधान है, लेकिन जितने भी ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स वाले जितने भी पेशेंट्स हैं वो प्लीज अपने लेवल्स जो अपने डॉक्टर की सजेशन से ही, जैसे डॉक्टर साहब कहें तभी आपने यूज करना है, क्योंकि मैं आपको इन हर्ब्स की प्रॉपर्टीज ही बताती हूँ, इनकी यूजेज एग्जैक्ट जो है वो आप गाइडलाइंस लेके परमिशन लेके ही यूज करें एज पर योर लेवल्स। इसके साथ ही साथ माउथ में अगर किसी को बैड ऑडर या बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये यूज होता है क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है और एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही साथ अगर किसी के माउथ
अल्सर हुआ होता है, मुख छाला जिसको बोलते हैं, बहुत पुराना भी है, तो इसके पाउडर को पीस के अगर हम हनी के साथ अफेक्टेड एरिया पे लगा लेते हैं तो वहाँ पे जो है वो बहुत ही यूजफुल रहता है। आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप प्लीज आप जो है जो अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालते जाएं, ताकि आपको जो है हम हमारे एंड से हमारी जो टीम है, आप अपने पेशेंट कोड जरूर डालते जाएं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालते जाएं, ताकि लाइफ के बाद जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो हमारी टीम जो है वो सॉल्व कर सके। इससे पहले एक डॉक्टर साहब के लाइफ के टाइम एक पीसीओडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपना क्वेश्चन जरूर दोबारा जो है वो डालें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि मैं नेम जो है वो भूल गई हूँ, उनका क्वेश्चन समहाउ मुझे याद है, लेकिन अगर आप अपना दोबारा वो क्वेश्चन जो है वो पेस्ट कर देंगे तो मेरा आपको रिप्लाई करना थोड़ा सा इजी रह जाएगा। कुछ एक चीजें अगर मैंने पूछनी हो आपसे, शायद वो क्वेश्चन पीसीओडी से रिलेटेड था। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी जो मोटी इलायची जिसको बोलते हैं हम बड़ी इलायची, इसमें वाइटामिन सी भी है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन जो है इसको भी इंप्रूव करता है। वाइटामिन सी होने के कारण ही इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, डिटॉक्सिफाइंग जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी है इसकी, इसको एज अ डिटॉक्सिफायर यूज करते हैं। जितनी भी स्त्रियां जिन्होंने जिनकी डिलीवरी होती है उनको 40 डेज जो है बड़ी इलायची और अजवायन का पानी जो है वो गर्म करके जो है अच्छे से काढ़ के घर के बड़े जो हैं प्लेन वाटर की जगह वही देते हैं, तो उसके पीछे प्रॉपर रीजन है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाइंग है, बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन सबको निकालता है। और सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत ही प्रसूता को होती है, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है और उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज भरी होती है, उस वक्त उनकी बॉडी को सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है। तो इसलिए स्पेसिफिकली सर्दियों में अगर किसी की डिलीवरी हुई है तो उनके लिए तो बिल्कुल एक वरदान है ये बड़ी इलायची। इसके साथ ही साथ जिन किसी को अपची और इनडाइजेशन में, अपची मींस इनडाइजेशन, या जैसे मैं आपको बताती हूं ब्लॉटिंग की जिनको प्रॉब्लम रहती है, वहां हमेशा ये यूजफुल रहती है। 2 ग्राम सौंफ के साथ 8 से 10 बड़ी इलायचियों का अगर हम मिक्सर बना के इसको हम साथ में मिश्री भी मिक्स करके इसको हम देना शुरू कर देते हैं, तो मिश्री के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो अस्थमा के पेशेंट्स में यूज होता है। अदरवाइज जिनको इनडाइजेशन रहती है उसको सौंफ के साथ ही अगर हम इसका काढ़ा या इसकी प्रॉपरली थोड़ा सा धीमी आंच पे पका के अगर हम उस पर्सन को देते हैं तो कितनी भी इनडाइजेशन रहती है वो जो है वो चेक हो जाती है। अगवानी जी, पटनायक जी, थैंक यू फॉर योर पोस्टिंग योर क्वेरी अगेन। आपने लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड एंड शोल्डर पेन 3-4 डेज बिफोर पीरियड स्टार्ट, मैम इट्स अ साइन ऑफ पीसीओडी। यस, इट कैन बी अ साइन ऑफ पीसीओडी इफ यू आर हैविंग बैक पेन। स्पाइनल कॉर्ड अगर आपके बैक में, लोअर बैक में पेन रहती है, तो अगर आपके सिस्ट का साइज, पटनायक जी, बड़ा है, जिनके बारे में अगर आप बात कर रहे हो, उनके अगर सिस्ट का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि सिस्ट की वजह से कई बार पेशेंट का चलना मुश्किल हो जाता है अगर उनका साइज सिस्ट का बहुत बड़ा। तो आप प्लीज यहाँ पे साइज जरूर मेंशन करें। अगर है सीरियस प्रॉब्लम जो है वो, एक बार इनकी अल्ट्रासोनोग्राफ अपना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपना पेशेंट कोड या अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, ताकि जो है जो टीम जो मेरे अंडर डॉक्टर्स हैं वो आपसे कॉल करके उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी मंगवा सके, ताकि हम एग्जैक्ट जो सिस्ट का साइज है वो देख सके। अदरवाइज जो शोल्डर पेन या बैक पेन आपको रहती है उसके लिए अजवाइन की पोटली की सिकाई जो है मैं हर बार पेशेंट्स को बताती हूँ, वो जरूर सिकाई आप करें। सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आप वरी ना करें। पीसीओडी इटसेल्फ ये जो है ये डाइट से ही रिलेटेड जो है हमारा एक डाइटरी डेफिशिएंसी कह लो आप डिजीज है, इसलिए आप वरी ना करें। और कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो फिर आप बिल्कुल वरी ना करें। अगमानी जी, आप इसके लिए हमारी फैम केयर कैप्सूल्स आते हैं सिंपल पीसीओडी वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट निकलते हैं। आप अदरवाइज पेन के लिए इनको जो है जो पोटली अजवाइन की मैंने आपको बोली वो आप शेयर करें, और उनको वहां पे कम से कम 5 या 10 मिनट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास ऑइंटमेंट पड़ी है, नहीं तो हमारी रिमैट बाम है, अगर आप वो नहीं ले सकते तो कोई भी ऐसी ऑइंटमेंट जो है हिमालया या किसी भी अच्छी कंपनी की, आप लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई भी ऑइंटमेंट वहां पे हल्की सी 5 या 10 मिनट अप्लाई करके उसके बाद जो है अजवाइन की पोटली की सिकाई करें, उसके बाद एकदम से पंखे के नीचे ना जाएं। जो आपको पेन है
इंस्टेड ऑफ टेकिंग पेन किलर आप प्लीज एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें, क्योंकि इस केस में मैं पेन किलर कोई रेकमेंड नहीं करती। बाकी पीसीओडी के लिए अगर आपकी सिस्ट का साइज मैं फिर से बताना चाहूंगी, अगर बड़ा है तो वो ऐसी प्रॉब्लम कर सकती है। कई बार पेन जो है लोअर एब्डोमन में बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा रहती है कि सीढ़ियां उतरने चढ़ने में भी प्रॉब्लम रहती है, तो इस चीज को आप प्लीज इग्नोर ना करें। अगर वो इतनी दिक्कत आपको दे रही है, अपना आप नंबर शेयर करें ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर गाइड किया जाए। आप एक बार मेरा सुबह तानिया इनको आप मेरा पीसीओडी पे जो सुबह मैंने प्रॉपर डिटेल में कि आहार में क्या चेंजेस करने चाहिए एक पीसीओएस फीमेल को, वो मैंने एक लाइव जो मेरा हुआ था उसका लिंक प्लीज आप इनसे शेयर कीजिए, ताकि वो थोड़ा सा आप अपने पेशेंट को ये सुनाएं और उनको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करें कि वो अपनी डेली रूटीन में वो चीजें यूज करें। प्लस इसमें कपाल भाती जो है वो मैं रेकमेंड करती हूँ ऐसे पेशेंट्स को। कपाल भाती जो है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जितनी भी पीसीओएस फीमेल है उनके लिए, तो वो बिल्कुल ना छोड़े, वो सब करते रहे। इसके साथ ही साथ जो है मैं बात करी थी बड़ी इलायची की, तो राई पाउडर जो है, राई आपको पता होगा उसकी जो पाउडर फॉर्म में अगर हम देते हैं मोटी इलायची के साथ किसी भी पर्सन को, तो लिवर के जितने भी इश्यूज हैं, लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें यूज होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो बड़ी इलायची की मैंने डिटेल बताई है और छोटी इलायची में कहाँ कहाँ आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एक तो आपने वेदर का ध्यान रखना है, थोड़ी सी जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसका ध्यान रखना है, और इसको क्योंकि बड़ी है इसलिए इसको डोजेस भी बहुत ज्यादा नहीं रखनी। बड़ों को जब भी हमने टेक केयर है वो बड़े ध्यान से करनी चाहिए। सिमिलरली जो बड़ी इलायची है इसकी डोजेस बहुत ज्यादा नहीं देनी चाहिए, जितनी मैंने आपको बताई है 500 mg 1 ग्राम के बीच ही पूरे दिन में देनी चाहिए। और वेदर देने का है सर्दियां, तो इनको सर्दियों में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ऐसी, तो उसमें आप मोटी इलायची ही इनको दें। सो उम्मीद करती हूं जो मैंने डिटेल बताई है आपको सही लगी होगी। कल फिर जो है मैं आपके साथ एक नई हर्ब के साथ आऊंगी, तब तक स्टे होम स्टे सेफ।